सो है गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक्निकल करीम चैनल। दोस्तों अगर आप सभी कोई फेजू भाई के फैन हो तो दोस्तों आप सभी को जानते होंगे कि कल के दिन फेजू भाई के पाँव में मोच आ गई थी और बहुत सारे फैंस के अंदर ये सवाल था कि वो मोच कैसे आई। आप सभी को जानते होंगे कि कल के दिन जब फैज बलोच ने जब ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि फेजू भाई के पाँव में मोच आ गई, वो हॉस्पिटल गए, तो वो स्टोरी वायरल होने लगी और बहुत सारे फैंस तक पहुंची और फैंस का सवाल था कि उनके पाँव में मोच कैसे आई। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, आई कार्ड के बटन में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे फैंस के अंदर सवाल था कि वो कैसे उनके पाँव में चोट आई। तो आप सभी को बता दूं कि फेजू भाई ने खुद बताया कि उनके पाँव में चोट कैसे आई। जैसे कि आप सभी को जानते हो कि फेजू भाई हमेशा अपनी फैन पेजेस के साथ कनेक्ट रहते हैं, फैन पेजेस से बातचीत उनकी चलती रहती है। तो क्या हुआ दोस्तों, फैन पेजेस ने भी उनसे पूछा कि आपके पाँव में मोच कैसे आई। तो फेजू भाई ने भी बताया कि उनके पाँव में मोच कैसे आई, लेकिन उसको बताने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ पे फेजू भाई से ही रिलेटेड अपडेट आते हैं, फेजू भाई जनरल से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों जब फेजू भाई से पूछा गया तो फेजू भाई ने बताया कि जब वो फ्लाइट से उतर रहे थे तब उनके पाँव में मोच आ गई थी, लेकिन अभी उनका पाँव थोड़ा ठीक है और अभी जो दर्द था वो कम है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट तो देख ही होंगे, फैन पेजेस ने ये खुद अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपलोड किया जिसके बाद मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो आप सभी को मेरे को कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन ज़्यादा खुश हुआ कि जब फेजू भाई का पाँव सही हो गया अभी थोड़ा। तो हम लोग भी दुआ करते कि फेजू भाई का पाँव वापस से सही हो जाए। और फेजू भाई काम थोड़ा कम करो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आराम भी कर लो, रेस्ट करो, अपने बॉडी में भी थोड़ा आराम करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। इसलिए बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, वीडियो को करना शेयर, और आप सभी को फेजू भाई को कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग भी कमेंट में कह सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।